नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। 8 महीने से जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा विशेष बैठक की मांग की जा रही है और जिला परिषद में जो स्थायी समिति होती है उसकी गठन हो, साथ ही साथ जो योजनाएं हैं समान रूप से समान राशि का वितरण हो। इन मांगों को लेकर के जिला परिषद संघ और जिला परिषद अध्यक्ष के बीच ठन गई है। आज एक आंतरिक बैठक थी जिस बैठक के बारे में जिला परिषद संघ के अध्यक्ष ने हमें नहीं कहा कि क्योंकि उनका वो आंतरिक बैठक था विशेष मुद्दों को लेकर के, लेकिन उन्होंने एक अनुरोध किया है दरभंगा जिला के तमाम जिला परिषद सदस्यों से कि 5 तारीख को दरभंगा में जिला परिषद का जो कार्यालय है वहाँ वो जरूर से जरूर उपस्थित हो ताकि आगे की रणनीति हो और जिला परिषद का जो स्थायी समिति का जो गठन है उसे हो सके और जो बैठक होती है वो समय से हो सके। इसको लेकर के तो जो जिला परिषद संघ के अध्यक्ष का जो विनती है उसे सुनाते हैं आपको, गौर से सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करना था जो नहीं हो पाया। सभी उपस्थित सदस्यों का एवं सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया संघ के बीच, जो परसों हम लोग संघ का बैठक करेंगे, जिस बैठक में जो आज नहीं आ पाए थे वो सभी माननीय जिला परिषद सदस्य एवं सदस्यों को आपके माध्यम से सूचित करना है कि वह परसों निश्चित रूप से, क्या तारीख है परसों, दिनांक 5/7/2022 को निश्चित रूप से संघ के बैनर के तले सभी माननीय सदस्य एवं सदस्यों को आग्रह भी करते हैं कि आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि वो निश्चित रूप से भाग लें संघ के सदस्य बैठक में और उस दिन हम लोग आगामी रणनीति पर निर्णय करेंगे सबों के विचार से। दरभंगा के तमाम जिला परिषदों को बुला रहे हैं आप? जी, तमाम जिला परिषद सदस्यों को बुला रहे हैं। किस चीज़ के लिए आज विशेष बैठक बुलाई गई थी? वो जिला परिषद का हम लोगों का अंदरूनी था बैठक, अनौपचारिक बैठक था। आज रविवार भी है, इस वजह से सबों ने कहा वो आज पहुंचिए, लेकिन बारिश आ गई तो सभी सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए। तो हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि दिनांक 5/7/2022 को निश्चित रूप से उसमें आकर के, चूँकि आगामी रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है, इसलिए सबों से आग्रह करते हैं, पुनः विनम्र निवेदन करते हैं कि सभी सदस्य अपना अपना पक्ष रखने के लिए और एक जगह एकत्रित एक पॉइंट पर आने के लिए उन लोगों से आग्रह किया जाता है कि सब पक्ष रखते हुए संघ का जो निर्णय होगा जिला परिषद सदस्य संघ का, वह निर्णय आगे फिर आपको क्या नाम है 6 तारीख को बता दिया जाएगा जो क्या निर्णय हुआ उसने। और कुछ दिनों पहले आपको रात्रि भर बैठ इंतजार किए थे माननीय DDC का, उनके द्वारा हुआ था कि एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी जो कानून है जिला परिषद के तहत, उस पर क्या हुआ? उस पर आपको माननीय सदस्य अध्यक्ष जो है वो बैठक तो नहीं बुलाए। हम लोग DDC को एक ज्ञापन सौंपा, DM साहब को एक ज्ञापन सौंपा। उस नियम में है जो जिला परिषद सदस्य के अध्यक्ष अगर 10 दिनों के अंदर नहीं बैठक बुलाते हैं विशेष बैठक का यह नियम है कि 10 दिन तक अगर जिला परिषद के अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाते तो पूर्वोत्तर सदस्य जो है जो लिखित दिए हुए हैं बैठक विशेष बैठक बुलाने के लिए वह डेट निर्धारित कर जिला दंडाधिकारी को सूचना करेंगे और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उस पर सूचना पत्र निकालेंगे बैठक सभी सदस्यों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तो पंचायती राज का एक्ट 2006 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, इसलिए कि बैठक जो है 2015 का संशोधन नियम, 1963 का संशोधित नियम है 2015 जो पंचायती राज एक्ट 2006 में दिया हुआ है कि जिला परिषद के बैठक का अधिकार एवं कर्तव्य, जिसमें हम लोग अपने सम्मानित सदस्य जिला परिषद सदस्य अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहे लेकिन उस अधिकार को प्रयोग होने से वंचित, अध्यक्ष तो किया ही
साथ हमारे हमारे जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं वह भी इसको दरकिनार किए कि सदस्य कुछ नहीं होता, पंचायती राज एक्ट कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होता और हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेते तो हम लोग डेट निर्धारित कर दिए थे कि 5/7/2022 को जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए जिसकी सूचना सभी पार्षदों को दी जाए, लेकिन उन्होंने यह सूचना सभी पार्षदों को देने से मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं नहीं अब एकाएक अब ये नहीं बैठावेंगे, अब हम सामान्य बैठक बुलावेंगे। तो यही तो है, यही तो खूबसूरती है पंचायती राज एक्ट का, जो अध्यक्ष न उसको वैल्यू देता है और न हम लोगों को जो कानून के रखवाले पंचायती राज एक्ट के रखवाले जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदया को दिया हुआ है वह अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। जिला परिषद में विगत 6 महीना से सब कुछ चल रहा है मनमानी, मनमानी पक्षपाती, पंचायती राज व्यवस्था के जो अधिनियम है जो धाराएं हैं ठीक उसके उलट और विपरीत चल रहा है। सामान्य बैठक 3 महीना के अंदर एक होना चाहिए, 9 फरवरी को हुआ, 9 मई से पहले एक बैठक होना चाहिए, आज तक सामान्य बैठक नहीं आयोजित की गई है, विशेष बैठक लिखित अनुरोध के बाद भी नहीं बुलाया गया, योजनाओं का चयन मनमाने ढंग से बिना सदन के सदन से पारित कराए ही बजट बनाया जा रहा है, योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस इन्हीं सब बातों को लेकर सदस्यों का, खासकर जिला परिषद के सदस्यों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बार बार अपमानित शब्दों का प्रयोग, बार बार उनके व्यवहार आचरण से हम लोग आहत हैं, मर्माहत हैं और उनके शब्द का क्या कहा जाए। आज जो बैठक बहिष्कार हम लोग किए हैं उनके व्यवहार और उनके विचार से वाणी के ही चलते बैठक का हम लोग बहिष्कार।